जान है तो जहान है, वो भी देश के भविष्य के साथ सोचनीय बात है। जी हाँ, सूरत हादसे के बाद से एमपीटीवी इंडिया लगातार शहर में पड़ताल कर रहा है और इस पड़ताल में खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। और आज एक बार फिर हम भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर पर खुलासा कर रहे हैं। इमारतों के नियमों की धज्जियां तो पूरा शहर उड़ा रहा है, लेकिन अब हमारी पड़ताल में भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर ने यूजीसी नियमों के तहत मिलने वाली छात्रों की सुरक्षा के नियमों का खुला उल्लंघन किया है, जिसे हमारी टीम ने अपने कैमरे में बखूबी रिकॉर्ड किया है। हमारी टीम ने सबसे पहले यूनिवर्सिटी के गेट पर अपनी गाड़ी की एंट्री की और इसके बाद हम यूनिवर्सिटी के मेन गेट से दाखिल हुए और इसके बाद का नज़ारा देखने लायक था। हमारी टीम यूनिवर्सिटी के 3 मंजिल तक बेरोक टोक घूमती रही, वो भी कैमरे और माइक के साथ। किसी ने भी ये ज़रूरी नहीं समझा कि रोक कर ये पूछ ले कि आखिर हम यहाँ घूम क्यों रहे हैं। खैर, घूमते घूमते तस्वीरों में यूनिवर्सिटी की असलियत कैद हो गई। यूनिवर्सिटी के किसी भी हिस्से में हमें अग्निशमन यंत्र नहीं मिले, यानी कि सीधे तौर पर भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर आपके बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। और ये खुलासा अजमेर के प्रशासन और सरकार पर भी बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर कई सवाल खड़े करता है कि आखिर कांग्रेस सरकार ने सूरत हादसे के बाद अधिकारियों को जो जांच के आदेश दिए थे, आखिर उनका हुआ क्या। खैर, इस पड़ताल के बाद हम यूनिवर्सिटी से बाहर निकले और सीधे जा पहुंचे वाइस चांसलर से सवाल करने। तो देखिए, वो कहते हैं ना कि प्रशासन चाहे देश का हो, राज्य का हो या किसी विश्वविद्यालय का ही क्यों ना हो, वो यही सोचता है कि गुनाहों को पर्दे के नीचे ढक दो, उससे गुनाह दफन हो जाएगा और हुकूमत की चमकती छवि और चमक कर निखर जाएगी। ऐसा ही कुछ भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर के वाइस चांसलर करते हुए नजर आए, जिन्हें बच्चों के जीवन की कोई चिंता नहीं। लेकिन साहब, हम तो जनता की आवाज हैं, आखिर ऐसे ही किसी को कैसे छोड़ देते। वाइस चांसलर के कमरे में दाखिल हुए और उनसे सीधे सवाल किया, लेकिन यूनिवर्सिटी के ये हुजूर बोल बेटे कि वो सुरक्षा से जुड़े मामलों पर पूछे जाने वाले किसी सवाल का जवाब कैमरे पर नहीं देंगे। हमने बी फार्मा से जुड़े मामले पर भी सवाल किया, लेकिन साहब जय हिंद बोल दिए। हुजूर देते भी कैसे, क्योंकि उन्हें पता था इन सवालों के जवाब यूनिवर्सिटी के पास है ही नहीं। छोटी सी बाइक देनी थी सर। बाइक वाइट तो हम देते नहीं भाई। और यूनिवर्सिटी से कोई भी नहीं देगा सर? किस चीज़ की बाइक? एक तो फायर सिस्टम को लेकर है, सुरक्षा मापदंडों को लेकर यूनिवर्सिटी में, और एक ये है कि हमारे रिपोर्टर्स यूनिवर्सिटी के 3 फ्लोर पे घूमे एंट्री करा कर ऑन कैमरा, है ना। लेकिन यूनिवर्सिटी में हमें किसी ने भी नहीं रोका, किसी ने भी कुछ नहीं पूछा, है ना, बस इस मामले। और एक बी फार्मा का मेट्रो है सर। बाइक नहीं, आप वैसे ही मुझसे पूछ रहे हो, क्या पूछना सर? हमारा तो सब कुछ कैमरे पे होता है ना। नहीं नहीं, हमें कैमरे पर नहीं, आप वैसे ही पूछ रहे हो। ऐसा तो सर हो ही नहीं हो सकता, तो क्षमा कर दो हमें। चलिए सर, कोई बात नहीं। और कोई नहीं है? नहीं, कोई नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद। सवाल प्रशासन पर भी उतने ही उठते हैं कि आखिर ऐसे संस्थानों में नियमों की जो पालना है उसे कराएगा कौन, क्योंकि जितनी जांच फायर अधिकारियों ने अभी तक की है उसके मुताबिक तो गाड़ी केवल राम भरोसे ही चल रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले संस्थानों पर अब तक कोई कार्रवाई या जांच हुई नहीं है। सूरत की जो घटना हुई है उसके बाद हमारे पास DLB से, जयपुर से आदेश आए हैं कि सभी कोचिंग सेंटर, स्कूल, मॉल्स, सिनेमा हॉल में रूटीन चेकअप और उसमें ड्रिल कराने का है और बताना है कि कैसे एस्केप करें, अगर आग लगे कैसे निकलना चाहिए, कैसे आग से बचाव के लिए जो जो कार्रवाई की जाती है उन सबको बताना है। और
जो जिसके पास संपूर्ण जो फायर के इक्विपमेंट नहीं है, या ऐसे कोचिंग क्लास चल रहे हैं जहाँ पे एक ही एंट्रेंस और एग्ज़िट दोनों एक ही है, कहीं एग्ज़िट कहीं अलग से नहीं दिया हुआ है, तो उनको चेक करके उनको नोटिस देके फिर उन पर कार्रवाई की जाएगी।